सर जनवरी तक कोरोना वैक्सीन आएगा ऐसा बोल रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर है। कोरोना वैक्सीन अभी आएगा, फरवरी में एक दो महीने में कोरोना वैक्सीन आएगा। और अभी कोरोना डाउन होता जा रहा है, कोरोना गो कोरोना जा रहा है। मैंने कोरोना को का नारा मैंने दिया था 20 फरवरी 2020 को, और कोरोना अभी कम होता जा रहा है। गोवा में भी बहुत कम है, हमारे महाराष्ट्र में भी कम होता जा रहा है। तो अभी लेकिन कोरोना रहेगा और 6-7 महीने रहेगा, लेकिन कोरोना को एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। और वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, सर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलते हैं? तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई है, ये सरकार नहीं आनी चाहिए थी। बीजेपी को तो धोखा देकर माननीय उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए हैं, लेकिन इनमें कोई ठीक तालमेल नहीं दिखता है। और ये सरकार ने एक साल तो पूरा किया है, लेकिन दूसरा साल पूरा करना मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए सरकार गिराने की बीजेपी की आरबीआई की कोई कोशिश नहीं है, लेकिन सरकार गिर जाएगी तो हम सरकार को बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कम से कम 117 MLA है। और सरकार गिर जाएगी तो हम सरकार बनाएगी, सरकार गिराने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। और सरकार आपस के विवाद से गिर जाएगी ऐसा मुझे लगता है। तो मैं गोवा में आज आया था और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी से एक मीटिंग हो गई अधिकारियों के साथ। हमारे तेंदुलकर जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, ये हमारे साथ थे, आरटीआई के कुछ हमारे कार्यकर्ता भी थे। तो विभिन्न विषय पर चर्चा हुई है, और जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में है, उसकी जो स्कीमें है, स्कीमें गोवा में देने के बारे में मैंने आश्वासन दे दिया है। उसमें ओल्ड एज होम है, आश्रम स्कूल है, और नशा मुक्ति के केंद्र भी है, अम्बेडकर भवन के लिए भी कुछ मदद हो सकती है क्या, वो भी हमने आश्वासन दे दिया है। और जो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है, उसके जो पेंडिंग कुछ पैसे बाकी है, वो भी हमारे मंत्रालय से भेजने का आश्वासन मैंने दे दिया है। तो गोवा को पूरा सपोर्ट करने की भूमिका हमारी है। प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में गोवा में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, जनरल कैटेगरी के लोग है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग है, हिंदू समाज के लोग है, बुद्धिस्ट लोग है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की कोशिश हो रही है। और यहाँ के हर आदमी को न्याय देने की कोशिश मुख्यमंत्री साहब की है। तो इसीलिए मतलब गोवा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिज्म और भी बढ़ाने के लिए भारत सरकार से जो भी मदद हो सकती है वो मदद देने के लिए हम लोग तैयार है। तो इसीलिए मतलब गोवा में और भी थोड़ा या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी मतलब जरूर मतलब हम कोशिश करेंगे। और मुंबई में जो उद्योगपति बड़े बड़े उद्योगपति है, उनसे मैं बात करके गोवा में अगर कुछ इंडस्ट्री लगती है तो यहाँ के अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो इसके लिए जरूर मतलब गोवा एक सुंदर प्लेस है, ऑल इंडिया से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन और भी गोवा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, सरकार को पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मतलब उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री फसल योजना है, और उज्ज्वला योजना है, ऐसे सभी योजनाओं का जो फायदा है, फायदा गोवा को देने के लिए जरूर हमारी सरकार भारत सरकार जो है ये गोवा को पूरा पूरा मदद करने की भूमिका की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि गोवा को और भी सुंदर बनाने के लिए जो भी मतलब भारत सरकार से मदद हो सकती है जरूर मैं मतलब गोवा के लिए मदद करूँगा। और गोवा को और भी मजबूत राज्य बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। सर ये नौ बोथ आर नॉट काउंटेड, तो आज जो चर्चा हुई है जो शेड्यूल कास्ट से बुद्धिस्ट बन गए हैं, तो 1990-91 में भारत सरकार ने कानून पास कर दिया है कि देश में शेड्यूल कास्ट से जो लोग बुद्धिस्ट बने हैं ऐसे लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और उसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दे दिया है कि भाई यहाँ जो बौद्ध लोग हैं, जिस तरह भारत सरकार ने निर्णय लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है,
उसी बेसिस पर गोवा में भी जो शेड्यूल कास्ट बॉडीज़ बने हैं उनको पूरा रिजर्वेशन देने का निर्णय मतलब उन्होंने निर्णय मतलब उन्होंने बताया है। अभी असेंबली में उसके लिए बिल लाना पड़ेगा, तो वो भी आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। साड़ी शॉपिंग करपाक आता बेळगाव वचपाची गरज ना। पणजीतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमका दर्जेदार प्रकारच्यो साड्यो खरेदी करपाक मेळटा। नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन। साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा। बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी।